कर्नाटक में आज कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह, बोले गरीबों के दाल चावल का पैसा भी खा गई कांग्रेस। वाराणसी सहित यूपी के 13 शहर बनेंगे स्मार्ट, केंद्र सरकार ने दिए 440 करोड़ रुपए। शहरों में अलीगढ़, झांसी, इलाहाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, गाजियाबाद, मेरठ, रायबरेली और रामपुर भी शामिल है। पटना मोकामा पैसेंजर में लगी आग, धू धू कर जले 6 डिब्बे, ट्रेन में कोई यात्री नहीं था सवार। बिहार के डेहरी में पुलिस बहाली में भगदड़, एक की मौत, 5 घायल। मृतक गया जिले का रहने वाला है। लालू यादव आज से जेल में भी करेंगे बागवानी, प्रतिदिन मजदूरी में मिलेंगे 91 रुपए। चारा घोटाला के आरोप में रांची के जेल में बंद है लालू। स्विट्जरलैंड में मोदी और ट्रंप की हो सकती है मुलाकात। 22 जनवरी से स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन शुरू हो रहा है। देहरादून में आज करनी सेना ने फिर धमकी दी। सेना के राष्ट्रीय संयोजक लोकेंद्र सिंह कलवी ने कहा कि अगर पद्मावत रिलीज हुई तो कर्फ्यू जैसे हो जाएंगे हालात। आज 44 साल के हो गए ऋतिक रोशन। इंस्टाग्राम पर फोटो डालकर एक्स वाइफ सुजैन खान ने भी किया विश, लिखा हैप्पी बर्थडे माई लाइफ। फिल्म से पहले हॉट फोटोशूट में नजर आई यामी गौतम, मैगजीन के लिए कराया शूट। आपको बता दें यामी जल्द ही शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में नजर आएंगे। फिल्म टोटल धमाल की मुंबई में शूटिंग की हुई शुरुआत। फिल्म में माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, बोमन ईरानी और जावेद जाफरी भी हैं। इसका निर्देशन इंद्र कुमार करेंगे और ये 7 दिसंबर 2018 को रिलीज होगी।